स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आपका टेस हिज डॉटर सेवन ईयर है वो आपका कहता है कि डॉटर से कि सेवन ईयर है वो, आई वाज सेवन टाइम एज ओल्ड एज यूअर देन, मैं तुम्हारी एज का सेवन टाइम्स था, उस समय तुम्हारी जो एज रही होगी उसका मैं सेवन टाइम्स था। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन में कहता है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। 7 ईयर पहले 7 टाइम्स था तुम्हारी एज का, लेकिन अब से 3 ईयर बाद 3 टाइम्स हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेबिकली एंड ग्राफिकली, इन सिचुएशन को आपको केवल एलजेबिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एलजेबिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन, जो सिचुएशन दी है, तो सबसे पहले एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं एज ऑफ आपका बी एस एंड एज ऑफ डॉटर की बाई, मैंने यहाँ एज कर दी कि आपका की एज एक्स है और डॉटर की एज बाई है। अब इसकी कंडीशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट कंडीशन में ये कहा है कि 7 ईयर है वो, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। 7 ईयर है वो, आपका की एज क्या रही होगी? अभी एक्स है तो 7 ईयर है वो ये रही होगी एक्स माइनस 7, और 7 ईयर है वो डॉटर की एज रही होगी बाई माइनस 7। लेकिन सिचुएशन ये थी कि आपका की एज डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये इक्वल हो गए दोनों। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7y-49। 7y को लेफ्ट में ला सकते हैं, तो एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, ये प्लस हो जाएगा लेफ्ट में जाके, तो आपका पॉलिनोमियल आ गया एक्स माइनस 7x इक्वल टू माइनस 42। ये एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट सिचुएशन का। अब इसी तरह से हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन में स्टूडेंट ये कहा है कि 3 ईयर्स नाउ, अब से 3 ईयर बाद है, अब से 3 ईयर बाद आपका की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 और डॉटर की एज हो जाएगी बाई प्लस 3। और सिचुएशन ये भी है कि अब से 3 ईयर बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, आई वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू
उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री बाई प्लस नाइन, थ्री बाई को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाई इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री बाई इक्वल टू सिक्स। ये एलजेब्रिक फॉर्म आ गया सिचुएशन का। तो स्टूडेंट ये मान लो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें इन सिचुएशन को ज्योग्राफिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में इन्हीं इक्वेशन से हम एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उन वैल्यू को ग्राफ पर पुट करेंगे। नोटेड अब देखते हैं स्टूडेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन। अब हमने सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये आप लास्ट ईयर कर चुके हैं कि किस तरह से हम पॉइंट को या लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। तो ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट तब कर पाते थे जब हमें पहले से ही पॉइंट दिए जाते थे, लेकिन अभी आपको पॉइंट दिए नहीं गए हैं, आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इन इक्वेशन की हेल्प से पहले हम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हम आपसे कहेंगे कि आप थ्री पॉइंट लें, क्योंकि थ्री पॉइंट में कोई भी किसी तरह की एरर नहीं हो सकती, लाइन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप हमेशा थ्री पॉइंट फाइंड करें। तो देखते हैं पहले इस लाइन से एक्स माइनस सेवन वाई एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। तो इसमें हम एक्स इसको लिख लेते हैं इस तरह से एक्स इक्वल टू सेवन वाई माइनस फोर्टी टू, सेवन वाई को राइट में लिखे तो ये प्लस में हो गया। अब हम यहाँ पर टेबल कंसीडर ही करेंगे, बनाएंगे इस तरह से एक्स बाय एक्स या बाई की वैल्यू करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू रखेंगे बाई की मिलेगी, बाई की रखेंगे तो एक्स की मिलेगी वैल्यू। अब मान लो यहाँ पर हमें बाई की वैल्यू कैसे पुट करनी है, वैल्यू हमें इस तरह से पुट करनी है जो ड्रॉ करने में आसानी ना हो। ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें आसानी थोड़ी हो, प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। अगर हमने पॉइंट फ्रैक्शन में ले लिए या बहुत ज़्यादा बड़े ले लिए या बहुत ज़्यादा छोटे ले लिए तो ग्राफ पर उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। कोई कंडीशन नहीं है, आप जो चाहे वैसे पॉइंट ले सकते हो, लेकिन इस तरह के लें जिससे हम आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो देखते हैं हमने बाई पर क्या ले लिया है, तो वैल्यू छोटी ठीक से आ जाए। तो मान लो हमने बाई पर सिक्स लिया है, जब बाई पर सिक्स लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा सेवन इंटू सिक्स माइनस फोर्टी टू, यानी कि फोर्टी टू माइनस फोर्टी टू, तो ये आ गया हमारा जीरो। बाई इक्वल टू सिक्स लेने पर x हमें जीरो फाइंड हुआ, इसको अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वैल्यू, मान लो हमने इसकी वैल्यू बाई की ली फाइव, तो थर्टी फाइव ले ली बाई की वैल्यू, यानी फाइव ले ली तो x इक्वल टू सेवन इंटू फाइव माइनस फोर्टी टू, तो ये हो जाएगा थर्टी फाइव माइनस फोर्टी टू, वैल्यू आ गई इसकी माइनस सेवन। बाई इक्वल टू फाइव लेने पर इसकी वैल्यू आ गई माइनस सेवन। एक और वैल्यू कोई लेते हैं, मान लो हमने वैल्यू इसकी ले ली सेवन, प्लस में सेवन ले ली,
हमने वैल्यू ली y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 − 42 यानी 49 − 42, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 7। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। जब हमने x इक्वल टू y इक्वल टू 7 लिया तो हमें x इक्वल टू 7 फाइंड हुआ। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इनसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेते हैं सेकेंड आपका जो इक्वेशन आया है उसको, तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन x − 3y, तो ये हो जाएगा x = 3y + 6। इसके लिए हम पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्स और वाई, इसको हम एक ये दे रहे। अब देखिए यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू मान लो, हमने वाई की वैल्यू 0 ले ली, तो वाई 0 ले ली तो एक्स इक्वल टू 3 × 0 + 6 यानी कि 6 आ गया। 0 + 6 = 6, तो एक्स इक्वल वाई इक्वल टू हमने 0 ली तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होगी 6। अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू मान लो लेते हैं −1, तो −1 लेने से वाई इक्वल टू −1 यानी कि 3 × −1 + 6 −3 + 6 यानी वैल्यू आ गई 3। तो −1 लेने से वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आती है +3। नेक्स्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो हमने ले लिया −2, तो y इक्वल टू −2 हम ले रहे हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 × −2 + 6, x इक्वल टू हो गया 0। तो ये स्टूडेंट हमने 3 पॉइंट दोनों लाइन के लिए फाइंड कर लिए। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाएंगे किस तरह से। तो जैसे आप पहले करते आए हैं, 2 एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस एक्स और वाई होती हैं, ये एक्सिस होने वाली एक्स और वाई, ये एक्स माइनस और यहाँ होता है एक्स प्लस, ये है वाई प्लस और ये है वाई माइनस। इसीलिए स्टूडेंट बताया कि पॉइंट हम इस तरह से लेते हैं कि ग्राफ हमारा ठीक से प्लॉट हो जाए। तो हमने लिया पहले एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 6, तो इनको पॉइंट दे दें, मैक्सिमम प्लस में पॉइंट है 7 और माइनस में मैक्सिमम 7, 7 तक तो हमको लेना ही होगा। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमने पॉइंट इक्वल इस पर मार्क कर लिए। अब हमें 0, 6 दिखाना है, एक्स 0 और वाई हमको 6 दिखाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये पॉइंट हो गया 0, 6। इसके बाद हमें पॉइंट दिखाना है −7, 5, तो −7 एक्स पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 5 प्लस में आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया −7, 5। थर्ड पॉइंट है 7, 7। देखो जो 7, 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आएगा 7 तक, तो ये आपका पॉइंट आ गया इस तरह से, ये है 7, 7। अब हम स्टूडेंट के इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन हमारी आएगी वो हमारी इक्वेशन को दिखाएगी जिसको हमने प्लॉट किया है। आप ग्राफ पर स्केल का यूज करके करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सही से ड्रॉ करेंगे।
इसको नेम दे देते हैं, ये हमारी लाइन थी x माइनस 7y = -22, ये लाइन है x माइनस 7y = -42। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके लिए हमें 60 प्लॉट करना है, इसका 60 2 3 4 5 6 60 ये हो गया आपका -6, 0। नेक्स्ट है 3 - 1, तो 1 2 3 और -1 ये आ गया, 3 पॉइंट हो गया 3 - 1। नेक्स्ट है 0 - 2, 0 - 2। नेक्स्ट हमें लेना है 0.0 - 2, 0 - 2 हो गया, 0 - 2 हमारा आ गया 2। तो स्टूडेंट ये हमने सेकेंड लाइन में थी उसका पॉइंट कुछ डिस्टर्ब हो गया था, 60 हमने क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 और ये 0 3 - 1 प्लॉट किया तो 3+ यहाँ आएगा, -1 यहाँ आया, और -2 0 प्लॉट किया तो -2 यहाँ होगा, क्या है 0 - 2 ये यहाँ आ गया। अब इन तीनों पॉइंटों पर हम लाइन करेंगे तो ये जो लाइन हमारी आएगी ये हमारी इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये लाइन हो गई x - 3y - 6 = 0। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट के, पहले हम कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्या कंडीशन दी गई है उसको एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलजेब्रिक इक्वेशन आई उनसे हमने एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू फाइंड की और उन वैल्यू को इस ग्राफ पर प्लॉट किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू।